तो अब हम जानेंगे बेकमा केमिस्ट्री मास्टर जो हमारा कोर्स है उसके लेक्चर 12 मैटर के बारे में और साथ के साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसके अंदर मास हो वो मैटर है। ये आप लोगों ने सेकेंड और थर्ड क्लास से ही पढ़ा होगा, तो ये बहुत ही बेसिक बात है। दूसरा पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स एंड वी कॉल देम एटम्स। कि जो मैटर होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन छोटे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो है वो शुरू होती है आपकी, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यू मूव्स और वाइब्रेट्स इन इट। कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं यानी कि ये जो बहुत ही छोटे पार्टिकल जो है एटम, ये कंटिन्यू मैटर के अंदर वाइब्रेट करते हैं या मूव करते रहते हैं। ठीक, ये जो पॉइंट है ये स्टूडेंट्स को सही से क्लियर नहीं होता, इसे आपको समझना थोड़ा जरूरी है। हम जानते हैं कि मैटर की तीन मेन फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों के अंदर जो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो मिलकर बनी है, इन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। और इनके अंदर जो एटम होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं या वाइब्रेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू मूव नहीं कर रहे या वाइब्रेट नहीं कर रहे। मोस्टली आप जब सॉलिड जो आइटम्स हैं उन्हें देखेंगे तो आप कहेंगे कि इनमें तो कोई पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे। लिक्विड और गैसेस में तो आप बोल भी सकते हैं आसानी से। पर गैस याद रखिएगा कि जो सॉलिड आइटम्स होते हैं, सॉलिड मैटर जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी कंटिन्यू मूव और वाइब्रेट करते हैं। बस आप ये बोल सकते हैं कि इनका जो मोमेंटम होता है या इनका जो मूव करने की जो पावर होती है या जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही हल्का है, बहुत ही धीमा होता है। ठीक, पर होता जरूर है और सभी के अंदर होता है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम। कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एटम्स जो होते हैं इनके बीच में स्पेस होती है। जैसे कि अगर कोई आइटम है या कोई भी मैटर है, कोई सॉलिड मैटर है, तो सॉलिड मैटर जो है उसके जो एटम्स होंगे उनके बीच में स्पेस जरूर होगी। ऐसे ही लिक्विड जो अगर आपका कोई मैटर है तो उसके जो एटम्स होंगे उनके बीच में भी स्पेस जरूर होगी। अच्छा, एक चीज जरूर रहती है कि ये जो स्पेस होती है ये डिपेंड करती है स्टेट ऑफ मैटर पे। जो सॉलिड मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है या ये कहीं नाम मात्र की रहती है। जो लिक्विड मैटर होता है उसके जो एटम होते हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो काफी होती है, और गैसेस के बीच में तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक खास पॉइंट है, इसे आप समझिएगा जरूर। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूटन थे उन्होंने एक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यूनिवर्स की हर एक चीज, एक वस्तु या हर एक थिंग किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या अट्रैक्ट करती है। ये जो रूल है गाइस ये बहुत ही छोटे लेवल से फॉलो होता है। जो पार्टिकल के, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं और ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसे फॉलो करते हैं। यूनिवर्स का हर एक आइटम एक दूसरे आइटम को अट्रैक्ट जरूर करता है। अगर आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई कॉपी है या किताब है, कुछ भी है, तो वो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप भी उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे अट्रैक्शन नाम मात्र का है, जो आपको महसूस नहीं होता है, जो दिखता नहीं है। बड़े स्तर पे आसानी से देखने के लिए मिलता है तो वहां पे आसानी से हम इसे बता देते हैं। छोटे स्केल पे इसे आसानी से हम देख नहीं पाते तो हम इसका अंदाजा लगा नहीं पाते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्ट ना करें। तो इसमें तीन मेन चीजें हैं, चार मेन चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात तो आप जानते ही हैं कि मैटर जो है कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या घेरती है और जिसके अंदर मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो जिन छोटे पार्टिकल से मैटर मिलकर बना होता है उन्हें एटम्स कहते हैं। अब ये जो एटम्स होते हैं या जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ये कंटिन्यू मूव करते रहते हैं या वाइब्रेट करते रहते हैं, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। ऐसा नहीं है कि मूव नहीं करते, वाइब्रेट नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं, बस ये है हमें दिखते नहीं है। ये मोमेंटम जो है वो गाइस जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर बहुत कम होता है, लिक्विड्स के अंदर ज्यादा और गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और गाइस एक चीज और होती है, मैटर के पार्टिकल्स या जो एटम्स होते हैं उनके बीच में स्पेस जरूर होती है, और ये स्पेस जो है वो डिपेंड करती है कि मैटर की कौन सी स्टेट है। सॉलिड है तो स्पेस कम होगी, लिक्विड है तो और भी ज्यादा होगी, और गैसेस हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा होगी। इससे भी आगे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पार्टिकल ऑफ मैटर ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं
वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अट्रैक्ट ना करें। ये खास पॉइंट है, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा।